और मेरे पीछे जिस राम सकते हैं कि सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, फजर की नमाज का वक्त था और फजर की नमाज मैंने यहाँ पे अभी जो है वो मस्जिद नबी के अंदर पढ़ी है। वैसे तो जो है मदीने की सारी ही जो है गलियाँ और पूरा शहर ही हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, सब मुसलमानों के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा इस्लाम के अंदर वैल्यू है। और मस्जिद नबी जो है वो इस्लाम की दूसरी मस्जिद है, इस्लाम की पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा है। तो अभी मैं जो है वो मस्जिद कुबा की तरफ जाता हूँ और आप लोगों को इस्लाम की जो है वो पहली मस्जिद दिखाता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर की थी। एक बात की जो है मैं ख़ास तौर पर वजाहत करता चलूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को जो है वो पहुँचा सकूँ। अगर मुझसे किसी जगह पे कोई हदीस या किसी जगह पे किसी हिस्ट्री के अंदर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ पहले से मैं माज़रत करता हूँ और आप लोग जो है मेरी इस्लाह कमेंट्स में जो है वो नीचे लिख के कर सकते हैं। जिस डबल डेकर टूरिस्ट बस का मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ पे इस स्टॉप पे जो है वो चलती है और आप लोग जो है इसके अंदर 80 रियाल दे के 24 घंटे के लिए आप जो है वो टिकट खरीद सकते हैं। किसी भी टाइम आप जो है किसी भी जगह पर उतर जाएं और वापस इस जो है वो बस पे चढ़ें। इस तरह जो है वो बस दिखती है। ये मेरे सामने जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ये सीधा रास्ता मस्जिद कुबा की तरफ जा रहा है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर इसका रास्ता है। और अभी सुबह सुबह के टाइम रश काफ़ी ज़्यादा था, मुझे तो कोई शटल वगैरह नहीं मिल सकी और बाकी जो शटल्स वहाँ जाके वापसी आएंगे उनको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो इतनी देर तक जो है वो मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ जब तक, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मस्जिद कुबा दिखाऊंगा। तो फाइनली मुझे जो है वो गाड़ी मिल गई है और मैं बिल्कुल पिछली वाली सीट पर बैठ गया हूँ और इसने जो है मुझसे 10 रियाल मांगे मस्जिद कुबा जाने के लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ से चलते हैं और रास्ते में चलते चलते जो है मैं आपको मदीने की गलियाँ वगैरह भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
अभी जो है मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद कुबा के बिल्कुल मेन गेट के सामने। और मस्जिद कुबा के बारे में मैं जो है आपको बताता चलूँ, ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीने से तकरीबन 6 किलोमीटर बाहर की तरफ जो है वो तामीर की थी। और इस मस्जिद में जो है वो पहली जुम्मे की नमाज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी। और एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ेगा उस नमाज़ का सवाब जो है वो एक उम्रे के बराबर है, और उम्रे के बराबर सवाब यानी कि एक हज के बराबर सवाब इस मस्जिद में जो है वो पढ़ने से मिलता है। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा और यहाँ पर 2 रकअत नफिल अदा करके फिर मैं जो है आपको अंदर से जो है इस मस्जिद को दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर मस्जिद की तरफ। मस्जिद के अंदर तकरीबन जो है वो 20,000 नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे औरतों के लिए भी अलग से जो है लोगों ने फैसिलिटी बनाई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के रोज़ जो है वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया करते थे, कभी पैदल और कभी जो है वो घोड़े के ऊपर सवार होकर। और इसी वजह से जो है इस मस्जिद की बहुत अहमियत हासिल है। एक दूसरी हदीस भी है, इसमें सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर जो है वो बड़े बड़े पत्थर उठा के ख़ुद इसकी तामीर में जो है वो मसरूफ़ थे। और जब सहाबा कराम ने आपको इस हालत में देखा तो वो कोशिश करते कि पत्थर जो है आपसे वापस ले सकें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मना किया और उनको बोला कि तुम भी जो है वो इसी तरह पत्थर उठाओ और इस मस्जिद को तामीर करो। तो यही वजह है कि ये मस्जिद जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही कीमती है और यहाँ पे जो है वो लाखों लोग रोज़ाना जो है वो नमाज पढ़ने आते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जो है एक कुआँ है, इसको कहते हैं अरस वेल। और इस कुएँ की खासियत यह है कि मस्जिद कुबा के बिल्कुल साउथ वेस्ट के अंदर ये कुआँ वाक़ है। और यहाँ पे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जिसको मोहर भी कहते हैं, मोहर नबूवत भी कहते हैं, उसके ऊपर एक जो है वो स्टैम्प बनी हुई थी। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जो है वो लेटर लिख के भेजते थे तो उसके ऊपर जो है वो उस अंगूठी से जो है वो स्टैम्प लगाते थे। और ये अंगूठी जो है वो उन्होंने अपने जो है वो विसाल के बाद जो दुनिया से चले गए तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। और हज़रत अबू बकर ने जो है वो हज़रत उमर जो के दूसरे खलीफा थे उनको पास ऑन की, और हज़रत उस्मान जो के तीसरे खलीफा थे उनके पास अंगूठी आई। और हज़रत उस्मान के हाथ से जो है ये अंगूठी इस कुएँ के अंदर गिर गई थी। तो इसी वजह से इस कुएँ को जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुएँ के अंदर अंगूठी आज भी मौजूद है। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे खजूर का दरख्त लगा हुआ है,
उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे एक सहाबा थे कुलसूम बिन अलहद, उनका यहाँ पे घर था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस घर के अंदर जो है वो यहाँ पे रात गुजारी थी, और मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद यहाँ पे जो है जब तशरीफ लाए थे तो इसी घर के अंदर ठहरे थे। इन सहाबी का जो है वो जब नबी के सल्लम हिजरत करके आए थे तो कुछ दिनों बाद जो है वो इंतकाल हो गया था, और बाकी के दिनों में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी मशहूर सहाबा थे हज़रत अबूबकर सिद्दीक़, उमर और उनके साथियों ने जो है इस घर के अंदर जो है वो यहाँ पे बना ली थी और इस मस्जिद की तामीर की थी।